का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 1699 की विसाखी वाले दिन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की जो है सृजना की थी। इसमें उन्होंने जात पात को तोड़ के वक्रे वक्रे धर्मों से जो है उन लोगों को अमृत सिखा के जो है सिंह सजाया, और दुनिया के इतिहास के अंदर ये पहली चीज हुई है कि जो एक गुरु था वो चेला बना, और चेला बन के उन्हें भी उन पांच प्यारों से जो है अमृत छका, और इस तरीके से जो है सिख पंथ की जो है सृजना हुई है। और आज श्री मंडेरा निगाली साहब पुंछ में जो कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का खंडे बाटे का ये एक स्थान है, क्योंकि यहाँ के जो संत भाई फेरू सिंह जी महाराज उन्होंने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से अमृत छका था, और संत भाई पंजाब सिंह जी और संत भाई लोचा सिंह जी महाराज ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए थे। पूरी दुनिया के अंदर जो कि आज विसाखी का जो त्यौहार मनाया जाता है, ये हमारे लिए सिख पंथ का एक जन्मदिन है, और इस जन्मदिन में ये हम एक आदेश साहिब श्री गुरु गोबिंद ग्रंथ साहब जी महाराज का जो हुक्म है, ना कोई वैरी ना ही बिगाना, सगल संघ हमको बनाई। आपने इस मान स्थान पर देखा होगा कि हजारों की तादाद में संगतें जो यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रही है, देश से भी आ रही हैं और विदेश से भी आ रहे हैं। यहाँ का एक ही पैगाम है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम, आपस में मिलके जो है ये त्यौहार मनाने का प्रोग्राम। और यहाँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जिसमें हिंदू भक्तों की बाणी मुसलमान फकीरों की बाणी दर्ज है, उसका जो पैगाम है दुनिया तक पहुँचाना। और खालसा सृजना दिवस है जो कि आम तौर पर हिंदुस्तान के विसाखी दर दिन किया जाता है। इस दिन 1699 के गुरु पातशाह ने दसवें पातशाह ने सिंह बना के जो अपने आप गुरु चेला कहा, अमृत का बाटा दे के सारिया कौमों इकट्ठा किया, इतने ऊंच नीच का दवैद खत्म किया, कोई ना दिसा बहरा जियो परमात्मा का एक रूप किया, उस पंच ककारा वर्दी दे के उसनों नवाजा गया। उसनों कहा गया कि सिख तू ये पंच ककारा वर्दी पा के सारी मुखलत की सेवा करनी है। मेरे ख्याल असं देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के जो अज सिख का जो एक नाम है वो अज देख नहीं सकिया। यूक्रेन तो लैके सीरिया तो लैके अज लोगों सिख का नाम जो है बड़ा दूर तक चल रहा। सिर्फ का सिर्फ जो अज के दिन होया 1699 के विसाखी वाले दिन एक बाटे विच अमृत छक के सारियां ऊंच नीच का जिहड़ा सी ते चार वर्णां नूं इकट्ठा किया करके पातशाह ने कहा सी कि अज तो हिंदुस्तान के विच ये आवाज़ उठ जाएगी कि यह दलित है, यह छोटा है, यह वड्डा है।
उस तरीके दे नाल अमृत छका के सारे पंथ नूं एकता दित्ती अते केसाधारी सिंह नूं बनाया गया। उहनूं कहा गया कि तू अपने धर्म दे विच कदे वी छप नहीं सकदा, अगर तू दोषी है, अगर दोष करने वाला तो कदे छप नहीं सकता। कहते कि गुरु गोबिंद सिंह ने हर धर्म के बंदे खड़े होकर उन्होंने बड़े दूर दूर तू ला के सिंह पांच सिंह बने अते आप उन्हों को अमृत छक के उन्हों का चेला बनया। तो कह दिता कि एक पंज नवाजी जो सिंह हैं, ये पंज जो अपने आप को देखने वाले नितनेमी जो हैं ये बाने दे दन कि हर वक्त जो सिखा का फैसला जो है वह कर सकते हैं। अगर उस तो बाद मीरी पीरी के मालिक साहिब श्री हरगोबिंद सिंह जी साहब ने अकाल तख्त सिरज के एक पंजा नू शक्ति बख्शी और अज तक हिंदुस्तान का कोई भी फैसला लिया गया आजादी तो पहला उस अकाल तख्त तो लिया गया और उस अकाल तख्त के मुताबिक इस 1699 की विसाखी तो बाद एक बड़ा बड़ा घलूघारा होया। जलियां के बाग दे विच वो विसाखी वाला दिन सीगा जिदे विच घट तो घट कई हजारा सिख मारे गए सन। उस वक्त उस ऊधम सिंह ने जाके लंदन दे विच बदला लिया, बदले की गल नहीं सीगी, वो विसाखी वाले नेते लोगों को मार के वो एक सारा स्नेहा जो वरत्या गया वो विसाखी वाले दिन सा।